जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना भविष्य कभी निर्माण नहीं कर सकता, ये मेरी बात नहीं है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते थे। जो संविधान बाबा साहेब ने भारत निर्माण के लिए दिया है उसी में जो इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, जस्टिस के बारे में बाबा साहेब ने बताया है, वो एक अच्छा सोसाइटी, अच्छा देश और अच्छा राष्ट्र निर्माण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका लेती है। प्रस्तावना बी आर अम्बेडकर के द्वारा ही संविधान की लिखी गई और इस प्रस्तावना में उन्होंने भारत की आत्मा को डालने का प्रयास किया और उन्होंने जो तीन शब्द उसमें लिखे, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक एवं गणराज्य, ये तीनों शब्दों के द्वारा उन्होंने भारत के निर्माण की पूरी परिकल्पना अपने सामने प्रस्तुत कर ली थी। वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा जो एक कॉस्मोपॉलिटन टाइप का है, जिसमें हर एक मजहब, चाहे हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जितने भी लोग हैं वो अकोमोडेटिव। उनके तीन शब्द, संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित रहो, जो एससी वगैरह मतलब उनको स्कॉलरशिप मिली जिससे आगे वो पढ़ भी सके, उनको स्कूल में जाने का मौका भी मिला, लड़कियां इसमें ज़्यादातर स्कूल जाने लग गई हैं। जो हम जैसी जो लड़कियां हैं पहले वो पढ़ नहीं पाती थी, लेकिन अभी उनको शिक्षण का पूरा अधिकार जो है वो बाबा साहब की वजह से ही मिला है। और रिजर्वेशन क्यों है, किस लिए है, लेकिन ये सब टॉपिक हमने पढ़े हैं बट नेवर स्टडीड अबाउट हु वॉज अम्बेडकर, हिज रिलेशनशिप और वॉट इज़ द रिलेशन बिटवीन अम्बेडकर, कास्ट, रिजर्वेशन या फिर कुछ भी। सो इफ़ यू स्पीक अबाउट कि वो नेशनल लीडर हैं या फिर दलित लीडर हैं, उनको तो कभी वो स्टेटस दिया ही नहीं। There are some people who criticize Dr. Bhimrao Ambedkar that he was the leader of only Dalits. लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर को अगर हम सिर्फ दलित के लीडर तक महदूद रखेंगे तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। वो एक बहुत कदावर लीडर थे, वो हर एक शख्स उस शख्स का लीडर था who was exploited and discriminated। ऐसे अन्यायपूर्ण वातावरण को समाप्त करने के लिए बाबा साहब ने हम सबको बहुत बड़ी शिक्षा, बहुत बड़ी संगठन और बहुत बड़ी कार्य की योजना बनाकर सौंपी है। बी आर अम्बेडकर का जो कानून था, उन्होंने जो कानून बनाया, जो संविधान रचा था, उस अनुसार कोई कार्य नहीं हो रहा है। उनके संविधान कानून को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, जो एस सी एक्ट की धारा है उसको भी तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जो वही एक दलितों का हथियार है, जो दलित अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है उसको ही खत्म किया जा रहा है। तो बाबा साहेब की आइडियोलॉजी बहुत जरूरी है सोसाइटी निर्माण करने के लिए, आज बहुत प्रासंगिक है, लेकिन सरकार इसको इम्प्लीमेंट करने की बाकी है। जो समस्या जो भारत स्वाधीन होने के पहले से था वो समस्या आज भी देखने को मिल रहा है भारत में, जैसे कि कास्टिज्म, अभी भी दलित और पिछड़े वर्ग के लोग शोषित हो रहे हैं, अपर क्लास के लोग ने उनको शोषण कर रहे हैं। Despite the fact that we have made a lot of progress and strides socially, economically and politically, yet you will see cow vigilantism, you will see bonded slavery, yet you will see manual scavenging, and a lot of portion of these people are from scheduled caste and scheduled tribe. सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, हर भारतीय के अधिकार समान हैं, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि ये विचार आज भी प्रासंगिक है कि सबको समान अधिकार मिले। उनका दूसरा बिंदु था छुआछूत उन्मूलन, उन्होंने कहा कि भारत जैसे महान राष्ट्र में अनटचेबिलिटी ना हो, छुआछूत ना हो, उनका ये विचार आज भी प्रासंगिक है। क्योंकि आज भी लोगों के ऊपर धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उनका जो आइडियाज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब को एनिलेट करने के लिए। अगर हमारे बी आर अम्बेडकर के जो कानून लिखा था उसके आधार पर काम करें, जिससे कि समाज का उत्थान हो, देश का उत्थान हो, गरीबों का उत्थान हो और गरीब हमारे सर उठा के जी सके। बाबा साहब का कहना था कि जो भीड़ मंदिरों की ओर जाती है वह भीड़ मुड़कर यदि स्कूलों की ओर जाने लगेगी तो देश तरक्की करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। आज की इस युवा पीढ़ी में, आज की इस लीडरशिप में अगर ऐसी सोच पैदा हो जाए तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान फिर से उस पटरी पे आ सकता है और एक डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान बन सकता है।